हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो इस व्लॉग की जस्ट मैं अभी शुरुआत ही कर रहा था, मेरे एक अंकल आए और उन्होंने मुझे बर्थडे विश किया और साथ ही साथ मुझे एक बुके भी दिया। सो दिन की शुरुआत तो बहुत अच्छी हो गई है, अब देखते हैं पूरे आने वाले दिन में और क्या क्या होता है। YouTube पे मैं हमेशा बाइक राइड या ट्रैवल वीडियोस अपलोड करता हूँ। मैंने अभी तक कुछ ऐसे बर्थडे या डेली व्लॉग्स जैसे वीडियोस अपलोड किए नहीं थे, बट आज मेरा बर्थडे है तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना आज वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि क्योंकि YouTube जर्नी जस्ट मैंने अभी स्टार्ट की है और मैं ये जो मेरा फर्स्ट बर्थडे है आफ्टर मतलब YouTube स्टार्ट करने के बाद, तो ये फर्स्ट बर्थडे मैं हमेशा मुझे याद रखना था, तो इसीलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और ये YouTube पे अपलोड कर रहा हूँ। सो आपने वीडियो के स्टार्ट में ही देखा कि मैं केक कटिंग कर रहा था। एक्चुअली कल रात को 12 बजे मेरे फैमिली ने मेरे साथ केक कट किया और हम लोगों ने सेलिब्रेट किया मेरा बर्थडे। मुझे बहुत खुशी हुई, उन्होंने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, मतलब एकदम सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मुझे पता नहीं था कि ये सब केक वगैरह वो लोग लाने वाले, तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था। तो एक दिन की मतलब बर्थडे के दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से हुई है मेरी। अब देखते हैं अभी तो मॉर्निंग है, अभी देखते हैं ये पूरा दिन कैसे जाता है। तो जो जो भी आज होने वाला है ये पूरे दिन में, मैं ये पूरा शूट करके मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो अभी टाइम हो गया कुछ आई थिंक 11:30 बज रहे, और मैं आने वाले दो दिनों में मेरे फर्स्ट लॉन्ग राइड के लिए जाने वाला हूँ। वो तो आप सबको पता है, मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ। तो मेरे फर्स्ट लॉन्ग राइड के लिए मुझे कुछ एक दो एसेसरीज इंस्टॉल करनी है बाइक पे और बाइक वॉश भी करनी है। तो अभी पहले बाइक वॉश करते, फिर उसके बाद एसेसरीज इंस्टॉल करेंगे। सो अब निकलते हैं सीधा बाइक वॉश करने के लिए। मैं मेरी बाइक वॉश करने के लिए आया हूँ सीवुड्स में, मोटोरोशी में, और इनका यहाँ पे स्टोर जो है, यहाँ पे बाइक की एसेसरीज़ और राइडिंग गेयर्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। साथ ही साथ इनका सर्विस सेंटर भी है यहाँ पे बाहर ही। तो अभी इनके पास मैं मेरी बाइक वॉश करता हूँ, देन आपको मिलता हूँ। बाइक वॉश करके तो हो गई है मेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सो ये अपनी बाइक है, एकदम नए जैसे अभी लग रही है, बहुत अच्छे से वॉश करके दे दी है। और साथ ही साथ मैंने मेरा जो टैंक बैग था वो निकाल के रखा था, वो इंस्टॉल करके ले लिया है इनसे। और इसके साथ ही साथ मैंने ये बोबो भी इसका मोबाइल होल्डर भी इंस्टॉल करके ले लिया है। सो अभी वॉश करने के बाद बाइक कुछ लग रहा है ऐसे। सो आप भी अगर यहाँ सीवुड्स में ही रहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यहाँ पे ये भाई के पास आने के लिए। इंस्टा पे कुछ आईडी है? इंस्टा आईडी है मोटोरोशी इंडिया का। ओके, सो इनका इंस्टा पे आईडी है मोटोरोशी का। और ये बाइक सर्विस के साथ साथ ये इनका एसेसरीज का भी शॉप है, जहाँ जिसमें आपको राइडिंग गेयर्स और राइडिंग एसेसरीज भी आपको मिलेगी। तो आप वो शिप भी कर सकते हो? बिल्कुल सर, शिपिंग है, कुरियर है, डिलीवरी है। ओके, तो साथ ही साथ ये शिप भी कर देते। तो मैं इनका इंस्टा का आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप इनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो अभी बाइक वॉश करने के बाद मैं जा रहा हूँ घर पे, क्योंकि घर पे कुछ और थोड़ा बहुत काम बचा है, वीडियो एडिट करना है, तो उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। तो अभी जस्ट आया था बाइक वॉश करके घर पे, और उतने में एक फ्रेंड का कॉल आ गया, तो वो नीचे मुझे मिलने के लिए आया। सो अभी उसको जाके मिलते हैं। तो भी मेरे साथ है मेरा फ्रेंड चिन्मय। हाय गाइस। सो ये जस्ट मुझे मिलने आया था। क्यों मिलने आया था भाई? बस सर का बर्थडे आज, तो सोचा मिल लूं। ओके, सो अभी हम लोग कहाँ जा रहे? पार्टी करने। अभी इतने दोपहर में कौन सा पार्टी करता है तू? चलो देखते। अच्छा, तो गाइस देखते हैं, हम लोग अभी थोड़ा घर मेरे घर के पास ही जा रहे हैं, कहीं पे तो लेके जा रहा है। सो वहाँ पे जाके मैं मिलता हूँ आपसे। तो अभी हम लोग आए थे यहाँ पे और मेरे दोस्त को पूछता हूँ, तो चिनू कैसा लगा पार्टी? बहुत सही था भाई, पार्टी बहुत सही था। पार्टी के नाम पे चाय पिला दिया। अरे नहीं, बड़ा बड़ा पार्टी, अभी बड़ा पार्टी करेंगे, एक बार लॉन्ग राइड से आने दो, फिर पार्टी करते हैं। और साथ ही साथ मुझे मेरा और एक फ्रेंड मिला जो बहुत बड़ा आदमी है हम लोग के इधर का, वो भी फ्रेंड मिला, इसका नाम है रवि। तो अभी हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे और देन उसके बाद मैं जाऊँगा घर पे।
तो अभी घर पे आते आते एक पंगा हो गया मेरे साथ, जो मेरा GoPro का जो माइक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो GoPro का माइक है, यहाँ पे इस पे माउंट होता है, तो वो माउंट टूट गया और अभी माइक मुझे ऐसे ही ये गोरिल्ला पॉड में पकड़ के मुझे व्लॉग करना पड़ता है। तो अभी पहले इसको फिक्स करता हूँ, क्योंकि अभी दो दिन बाद मैं जा रहा हूँ राइड पे, तो इसको पहले फिक्स करता हूँ, देन आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जस्ट कुछ वीडियोस में एडिट कर रहा था और एडिट करते करते मुझे पता चला कि मेरे कोई तो फ्रेंड्स हैं, वो घर पे आए हैं। तो चलिए अभी देखता हूँ कौन से फ्रेंड आए हैं मेरे। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे। सो अभी मेरे घर पे आए हैं जिनको आपने देखा लास्ट वीडियो में, ये है निवास, ये है थानेकर सागर और है मेरे साथ केदार। तो आप इन तीनों को मेरे अलग अलग वीडियोस में आपने इनको देखा है। तो अभी इन्होंने लाया है एक अच्छा सा केक जो कि है BMW का। तो अभी ये केक कट कर दे, देन मैं आपको मिलता हूँ। तो थैंक यू सो मच, जो भी दोस्त मेरे घर पे आए थे और उन्होंने मुझे बर्थडे की शुभकामनाएं दी और केक कट किया, तो थैंक यू सो मच निवास, सागर और केदार, आप लोग आए और मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया, मुझे काफ़ी खुशी हुई उससे। तो अब टाइम हो चुका है फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का। वैसे तो रात को ही मैंने केक कट किया था फैमिली के साथ, बट वो जस्ट एक सरप्राइज़ था। बट अभी पूरे प्रॉपर तरीके से, जैसे हम महाराष्ट्रियन में या फिर अपने हिंदू रिलीजन में जैसे केक कटिंग होता है, साथ ही साथ आरती वगैरह करते हैं, तो वो सब कुछ अभी होगा। तो चलिए आज मेरे बर्थडे के दिन, आज काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया है, कॉल किया है, पर्सनली आके मिले, केक कटिंग किया बहुत सारे लोगों ने, तो बहुत खुशी मिली इससे मुझे। ये अभी तक का मेरा ये फर्स्ट और बेस्ट बर्थडे था जिसमें मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत खुशी मिली। ऐसे तो मतलब हर बर्थडे को खुशी मिलती है, बट इस बार कुछ ज़्यादा ही स्पेशल था। बहुत से लोग आकर मिले, मैसेज किया बहुत से लोगों ने, कॉल किया, तो काफ़ी खुश था मैं आज, मतलब बहुत खुशी हुई मुझे आज। सो अभी टाइम हो गया ये वीडियो को यहीं पे समाप्त करने का। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करो, बट अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है जो मैं दिन भर क्या करता हूँ वगैरह, अगर आपको ऐसे सारे वीडियोस में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर इन फ्यूचर आप इसी तरह के वीडियो चाहते हो, रेगुलर तो नहीं कर पाऊँगा, रोज़ तो नहीं कर पाऊँगा, बट जिस दिन कुछ स्पेशल रहेगा उस दिन ज़रूर ट्राई करूँगा इसी तरह के वीडियोस बनाने के लिए। सो बस आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अब दो दिन बाद मेरी लॉन्ग राइड होने वाली है, वो कहाँ पे होने वाली है मैं बताता हूँ आपको। मैं एक्चुअली जा रहा हूँ गोवा, मेरी जो फर्स्ट लॉन्ग राइड है वो गोवा की है। तो मैं अभी इसीलिए बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं बताने वाला नहीं था, बट इसके लिए इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर कोई वो टाइम पे गोवा में है या फिर गोवा से कोई आप जैसा कोई सब्सक्राइबर या व्यूअर्स देख रहा है और वो अगर मिलना चाहता है, तो मैं गोवा में 27 फरवरी से 3rd ऑफ मार्च तक हूँ। तो अगर आप गोवा में हो तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, इंस्टा के प्रोफाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इंस्टा में मुझे मैसेज कीजिए। अगर पॉसिबल हो गया मैं आसपास कहीं रहूँगा आपके, तो हम ज़रूर मिलेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली विशेज। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए।
सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए